हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरे चैनल का अगेन अनदर व्लॉग है। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मेरी जो कज़न सिस्टर है उनका ब्राइड टू बी होने वाला है। सो हम सारी कज़न्स ने मिलके थोड़ा सा प्लान किया कि उनका ब्राइड टू बी किया जाए। सो उसी के लिए हम लोग जाने वाले हैं एंड अभी सिर्फ 8 दिन कुछ बचे हैं उनकी शादी को एंड हम लोग अभी 10 दिन वहीं रहेंगे। तो अभी पूरा मैं प्रिपरेशन से लेके पूरा ब्राइड टू बी का व्लॉग करने वाली हूँ गाइस एंड मैं रेडी वगैरह हो गई, उसका गेट रेडी विथ मी मैंने शूट किया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। एंड राइट नाउ अभी 2 बजने वाले हैं, अभी हम लोग निकलेंगे, उसके बाद वहाँ पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर टूडे। सो ये मिंत्रा से लिया हुआ है एक प्यारा सा ड्रेस, इसके साथ मैंने एक पैंट पहनी हुई है फॉर्मल सी, ये मैंने लोकल से लिया हुआ है, बट दिस ड्रेस लुक्स सो प्रिटी। इसका भी मैंने एक शॉर्ट्स बनाया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, उस पर मैंने ये हिजाब ड्रेप किया है एंड मेकअप तो ऐसे ही आप लोगों ने देख ही लिया है। एंड इसका भी ट्यूटोरियल मैं गेट रेडी विथ मी अपलोड कर रही हूँ। सो आई एम ऑल सेट, अभी बस थोड़ी टाइम से निकलेंगे। आई एम जस्ट लविंग माई ड्रेस टुडे गाइज, काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोगों की थीम है आज पिंक कलर की, सो दैट्स वाई हम लोगों ने पिंक पहना हुआ है। इसने भी पिंक पहना हुआ है, इसने कोट सेट पहना हुआ है एक्चुअली में, तो हम लोग सब ने पिंक पिंक थीम किया। मुझे रेडी होना था तो ऑफकोर्स टाइम लगता है थोड़ा बहुत रेडी होने में, तो थोड़ा टाइम हो गया बट अब मैं रेडी हो गई हूँ, तो अभी थोड़े टाइम से बस निकलेंगे क्योंकि अभी ट्रेन का टाइम हो गया है चेंज। Guys, I'm all ready. अब बस हम लोग निकल रहे हैं, या हमारा सामान रखा हुआ है अंडीज के पास, ये पास है। वेरी एक्साइटेड गाइस, रहे मम्मी और शिफा, इतना सारा सामान है मेरे हाथ में, भी एक सूटकेस है। सो मच, शादी में इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं हम लोग, तो सूटकेस है ऊपर से पर्स इतना बड़ा सा, सब देख के हमारा सामान एकदम भर भर के लेकर जा रहे हैं, सूटकेस से भी कपड़े हम लोग लेके जा रहे हैं, पूरा घर का सामान नहीं, काफ़ी कम है कम्पेयर टू, क्योंकि अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत सामान। सो गाइज अभी हम लोग डेकोरेट करेंगे एंड अभी कुछ डेकोरेट हुआ नहीं है एंड मेकअप भी करना बाकी है एंड शायो फुग्गा फूंक रही है। देन हम लोगों ने डेकोरेशन करना स्टार्ट किया, मैं बलून्स में हवा भर रही थी एंड मैं यहाँ वॉइस ओवर इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि सॉन्ग्स चालू थे पीछे एंड मैं नहीं रख सकती हूँ सॉन्ग क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स वाई सब इन्जॉय कर रहे थे सॉन्ग के साथ, सो दैट्स वाई। एंड हम लोगों ने डेकोरेट करना स्टार्ट किया, डेकोरेशन हम लोगों ने अमेजोन से मंगवाई हुई है, काफ़ी प्यारी थी गाइज एंड ये शाइनिंग सा था, तो हम लोगों का जो थीम था दैट वॉज पिंक, तो हम लोग चाह रहे थे कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू थीम के जैसा ही हो पिंक वगैरह, बट ये कलर थोड़ा सा शाइनिंग था तो काफ़ी डबल शेड कलर दे रहा था, बट काफ़ी ज़्यादा प्रिटी था गाइस। हम लोगों ने मिलके डेकोरेशन करना स्टार्ट किया एंड ये ब्राइड है जो मेरी हेल्प कर रहे डेकोरेशन करने में, तो हम लोगों ने मिलके अच्छे से डेकोरेशन कर लिया। देन फाइनली ब्राइड भी रेडी हो गए थे, तो इनका मेकअप मैंने ही किया था, ये बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मेकअप, बट गाना बज रहा था तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, कॉपीराइट आ जाएगा, दैट्स व्हाई। एंड इनका जो आउटफिट था वो एक वाइट गाउन था क्योंकि हमारा सबका पिंक था, सो शी वॉज वेयरिंग वाइट एंड थीम के अकॉर्डिंग एवरीथिंग वॉज ग्रेट एंड यहाँ पर मैं उनका रिबन सही कर रही थी। सो अब मैं एक एक करके आपको मेरी फैमिली से मिलवाती हूँ, हम सब लोगों ने पिंक पहना था, तो ये है मेरी सिस्टर, देन उसके बाद ये है मेरी भांजी, ये उसकी मम्मी यानी मेरी कज़न सिस्टर एंड देन उसके बाद है ये शायो, ये भी मेरी भांजी है जो और एक सिस्टर है उनकी बेटी एंड ये है मेरे खाला, ये काम कर रहे थे, मैंने उनसे हाय करवाया, फिर मम्मी आए, ये मेरी मम्मी है एंड ये है मेरे दीदी या नीनी की बेटी थी वो एंड ये ब्राइड। सो दिस वॉज द डेकोरेशन, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था, हम लोगों ने अच्छे से डेकोरेट किया एंड ये एक बॉटल भी थी जिसको हम लोगों ने साइड में रख दिया, इसका कुछ यूज़ ही नहीं हुआ एक्चुअली में एंड द डेकोरेशन वॉज वेरी नाइस गाइज। देन ये लोगों का इन्जॉयमेंट चालू था, सब डांस वगैरह कर रहे थे, बात कर रहे थे एक दूसरे से, वी वर इन्जॉइंग, मतलब वो मोमेंट को जी रहे थे हम लोग, जितना सोचा नहीं था अलहमदिल्ला उससे भी अच्छा हुआ था ये। एंड यहाँ पे शायद अपनी डांसिंग स्किल्स दिखा रही थी डांस करते हुए एंड देन ऑल वे जस्ट सिटिंग, काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने इस दिन पे एंड ये मेरे मम्मी हैं, इनके साथ तो मेरा शूट हर ब्लॉग्स में होता ही है क्योंकि मम्मी के बिना ब्लॉग अधूरा है,
देन उसके बाद ये था आउटफिट एंड दिस वॉज द केक। केक तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा था गाइस, थोड़ा सा यू नो लाने में रास्ते में ख़राब हो गया, अदरवाइज केक काफ़ी टेस्टी था और प्रिटी था गाइस। हम सबको केक काफ़ी पसंद आया। सो यहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो गया था। केक का कलर हम लोगों को थोड़ा सा पिंक चाहिए था, बट थोड़ा पिच हो गया, बट दैट्स ओके, थीम से मैच कर ही रहा था। एंड यहाँ भी सॉन्ग बज रहा था, दैट्स व्हाई मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल मोमेंट हो गया था, काश मैं आपको ये गाना सुना पाती ताकि आप इस मोमेंट को एक्चुअल में फील कर सकते। हम लोग सब देख रहे थे एंड हम सब रो रहे थे गाइस लिटरली। एंड यू नो ये मेरे मम्मी, मेरे बड़े मम्मी एंड ये मेरे खाला, यानी कि ये तीनों सिस्टर्स है। एंड अभी ऑफकोर्स शादी है, तो शादी इज़ नॉट ईजी गाइज, हर लड़की के लिए शादी आसान नहीं होती है, तो इसीलिए वो शादी करके जा रहे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सैड मोमेंट्स हो गए थे एंड हैप्पी मोमेंट्स भी थे, तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट क्रिएट हो गया कि सारे ही वहाँ जितने भी खड़े थे सब रो रहे थे लिटरली। यहाँ पे एक सॉन्ग बज रहा था जिस पे हम लोग बस एक वीडियो निकाल रहे थे एंड ये मोमेंट भी काफ़ी स्पेशल था गाइस, क्योंकि हम लोगों ने एकदम साथ पे रह के यू नो ये मोमेंट क्रिएट किया एंड ये दिन काफ़ी यादगार रह गया है, क्योंकि हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे अच्छा ब्राइड टू बी हो गया। एंड ब्राइड टू बी में आई नो कि सब लड़कियाँ होती है, बट हमारे भाइयों ने इस ब्राइड टू बी में आके ब्राइड टू बी को क्रैश करवा दिए, बट ये एक फैमिली टाइम बन गया जो कि और ज़्यादा स्पेशल बन गया, यानी चार चांद लग गए इस पर। सो काफ़ी अच्छा मोमेंट क्रिएट हुआ भाई लोगों के साथ भी। एंड ये मेरी और एक सिस्टर जो फ़िलहाल यहाँ नहीं है, दूर है हम लोगों से एंड हम लोग उनको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं सीरियसली। एंड उसके बाद हम लोगों को अभी एक वीडियो बनाना था रील्स, तो मैं सबको ये लाइट वाले कैंडल्स दे रही थी, क्योंकि हम लोगों ने एक रील्स सेव करके रखे थे जो हम लोगों को बनाना था, जो हम लोग आगे बनाएंगे। यहाँ सब प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे क्या करना है एंड काफ़ी अच्छा वीडियो बना था। मैं शॉर्ट्स में बता पाऊँगी मे बी वो वीडियो, आई डोंट नो, बट आप देख सकते हो हम लोग ऐसे ही कुछ कर रहे थे एंड वहाँ से वीडियो लिया जा रहा था एंड पीछे भी भाई वीडियो ले रहे थे। सो यहाँ पे हम लोग सब रील्स बना रहे थे, घर का एक एक सामान उनको देते हुए, आपने देखा ही होगा वो रील्स, छोटे से बड़े सब हम लोग बना रहे थे एंड इतने सारे सामान हो गए थे उनके हाथ पे, काफ़ी हैवी हो गया, तो एंड में वो गिरने ही वाला है, आप देख ही लोगे। एंड मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, एक वजह है म्यूजिक की और एक वजह आवाज़ की, क्योंकि हमारी फैमिली मिल जाती है तो सब बात करते रहते हैं, चुप नहीं होते हैं लिटरली। एंड ये हम लोग एक ब्राइड टू बी का रील्स भी बना रहे थे एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग, बच्चे यहाँ पे डांस कर रहे थे एंड हम लोग बस बैठ के काफी एंजॉय किए हम लोगों ने। हम लोग सब अभी खाना खाने बैठे हैं, कैसा लग रहा है? इस बाहर नहीं कर पाऊंगी मैं, काफी ज्यादा डांस करते हो रहे थे। हां गाइस, मुझे छोड़ के लोग ने डांस किया, मुझे बुलाया नहीं। तुम भी डांस की? डांस की मेरी वीडियो किसका? अभी और बाकी है, अभी तो पार्टी झूठ बोलना गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह। लाइफ हो गया खत्म, तो फंक्शन अच्छे से हो गया। अरे यार मुझे भी ब्लॉग करना है।
काफी ज्यादा टायर्ड है। अच्छे से हम लोग ने डांस वगैरह करके काफी अभी घर तो बहुत ज्यादा मेस है, काफी मेस है। अच्छा ही लगा ना, अपना मजा ही है। ये है ब्राइड, काम कर रही हूँ गाइस मैं। तो ये अभी पूरा ऐसी है, अभी इसको पूरा साफ वगैरह करना है, मेकअप रिमूव करना है, तो काफी मजा आया। सो गाइस फाइनली ब्राइड टू बी हो गया है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं, काफ़ी कुछ काम था बट हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, बस अभी सोने जा रहे हैं क्योंकि सब लोग थक गए हैं सब लोग। एंड या गाइस, तो आज का दिन काफ़ी अच्छा गया, आई डोंट नो कि व्लॉग कैसा टर्न आउट हुआ है। तो अभी ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियोज़। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस शादी के मैं सारे दिन व्लॉग करने वाली हूँ, हर एक छोटी सी छोटी डिटेल्स में व्लॉग करने वाली हूँ, हर हल्दी में, शादी में, एवरीथिंग इंशाल्लाह। सो या गाइस कीप सपोर्टिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।